आज के जल शक्ति अभियान के अंतर्गत ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के इस कार्यक्रम में उपस्थित जल विशेषज्ञों, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के वैज्ञानिकों, विद्वानों और विभिन्न विभागों एवं आंध्र प्रदेश के सम्मानित व्यक्तियों, देवी और सज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वर्कशॉप के अवसर पर आपकी उपस्थिति जल तथा इससे संबंधित इश्यूज के बारे में गंभीरता दर्शाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में औसतन 1170 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो हिमपात सहित वार्षिक वर्षा लगभग 4000 BCM बिलियन घन मीटर के समरूप है। इसमें से उपयोग करने लायक जल 1137 BCM बचता है, जिसमें 690 BCM सतही जल और 447 BCM पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन शामिल है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा भूमि जल का प्रयोग करने वाला देश है, जो प्रतिवर्ष 253 BCM भूमि जल निकासी करता है, जो विश्व भूमि जल निकासी का लगभग 25% है तथा वार्षिक पुनर्भरण और निकासी के आधार पर देश में भूमि जल विकास की अवस्था लगभग 62% है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। पिछले 3 दशकों के दौरान इस राज्य में सिंचाई के लिए कुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भूजल के इस अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप राज्य के जल स्तर में भारी गिरावट आई है। आंध्र प्रदेश के 670 डिवीजन में से 45 डिवीजन ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, 24 डिवीजन को क्रिटिकल श्रेणी में तथा 59 डिवीजन को सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसकी गंभीरता एवं जल संरक्षण के महत्व को स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सहित देश के सभी सरपंचों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है, जिसमें जल संसाधन संचयन एवं वृक्षारोपण पर विशेष बल दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा नवसर्जित जल शक्ति मंत्रालय देश की जल समस्याओं के एकीकृत समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान परिस्थितियों में हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी नारे जल शक्ति फॉर जल शक्ति, जन शक्ति फॉर जल शक्ति को सफल बनाना है और यह आपकी सक्रिय भागीदारी से ही संभव हो पाएगा। आज की इस कार्यशाला में आंध्र प्रदेश में जल समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में ग्राउंड वाटर के आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है,
तथा आर्टिफिशियल रिचार्ज के कार्यान्वयन के लिए संभावित क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है। हमारे मंत्रालय द्वारा वर्ष 18-19 के दौरान नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत पुलिवेंदुला मंडल वाईएसआर कड़प्पा जिले में 5.5 करोड़ रुपए से जलभृत पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है। आज हम अपनी जरूरतों के लिए ग्राउंड वाटर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। रूरल वाटर सप्लाई का लगभग 85% और इरिगेशन वाटर का 60% से भी ज़्यादा ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है। बढ़ती हुई आबादी, कृषि एवं उद्योगों में वृद्धि और शहरीकरण के कारण ग्राउंड वाटर का उपयोग बढ़ा है, जिसके कारण कुओं का सूखना और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम सामने आ गई हैं। आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के कारण ग्राउंड वाटर की स्थिति में और भी अधिक समस्याएं हो सकती हैं, जिसके सॉल्यूशन के लिए हमारा मंत्रालय प्रतिबद्ध है। सब जानते हैं कि जल संरक्षण एवं संचयन इस सरकार के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में सुधार के उपायों पर चर्चा से यह निष्कर्ष निकला है कि ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के उपायों, विशेषकर जल संरक्षण और आर्टिफिशियल रिचार्ज पर जोर देना अति आवश्यक है। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर में इंक्रीज और कंजर्वेशन आदि के लिए इसके कंट्रोल्ड यूज पर विचार करना भी जरूरी है। साथ ही साथ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज का जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है। देश में समग्र रूप से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने आंध्र प्रदेश सहित देश के 256 जिलों के 1592 ब्लॉक्स में जल शक्ति अभियान लॉन्च किया है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन और इसके मैनेजमेंट की सफलता के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी अति आवश्यक है। मुझे आशा है कि इस वर्कशॉप से इस दिशा में आगे की रणनीति तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी। मैं इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले सभी किसान भाइयों, बुद्धिजीवियों, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने अपने स्तर पर वाटर कंजर्वेशन के भागीरथ प्रयास में योगदान दें। मित्रों, देश 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहा है। आज से 5 साल पहले जननायक भारत माता के लाल हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और इस 2 अक्टूबर को हम 100% सारे देश को ODF मुक्त बना देंगे और ODF प्लस की ओर हम बढ़ेंगे। जिस प्रकार से इस अभियान ने देश की जनता के माइंड सेट को बदला और सभी लोग
सभी संस्थाएं स्वच्छता अभियान की सफलता में जुटी, जिसके परिणाम स्वरूप हमने इस क्षेत्र में 100% सफलता हासिल की। मैं कामना करता हूं कि ठीक उसी प्रकार से हम नल से जल अभियान को सफल बनाने के लिए और वाटर कंजर्वेशन के लिए जनता के माइंडसेट के अंदर परिवर्तन लाकर इसे भी 2024 तक उसी सफलता तक पहुंचाएंगे जैसे कि हमने स्वच्छता अभियान को पहुंचाया। भारत सरकार ने भी इसके लिए पिछले अतीत में 23,990 करोड़ रुपए की मदद विभिन्न राज्य सरकारों की है। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि इस वर्कशॉप में की गई डिस्कशन देश में वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की दिशा में नए मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ RX100 టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి.